चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो समय है बहुत नज़दीक आ चुका है और इसीलिए आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स से ज़रूर जुड़ें। और जो नए बच्चे हैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ उनको शेड्यूलिंग हमारा किस प्रकार से चल रहा है। अभी हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स का फेज वन चल रहा है जिसमें आपको सुबह 8 बजे पॉलिटी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, शाम को 5 बजे छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के क्वेश्चंस और रात को 8 बजे आपको मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का। और फेज वन 8 जनवरी के आसपास खत्म हो जाएगा और फेज टू में बाकी के सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। यहाँ क्वेश्चंस वही करवाए जा रहे हैं जिस पैटर्न से आपके सीजीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत हद तक कोशिश किया जा रहा है कि उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चंस करवाए जाएं, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी सेक्शन आ रहे हैं आपका, चाहे पॉलिटी का जो वीडियो आ रहा है वो, चाहे छत्तीसगढ़ जीएस का, आपने तैयारी कर लिया है या ना किया हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। एक छोटी सी बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ करेक्शन आ जा रहे हैं, एक छोटा छोटा होता है माइनर मिस्टेक हो जाता है वो हो रहा है। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि दिन भर में 3 वीडियो बन रहे हैं, एडिट हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पर माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं। अगर किसी वीडियो में आप लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर अगर आंसर गलत है या वो है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वहाँ पर करेक्शन करवा दिया जाएगा। जैसे अगर पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले में कुछ डाउट है तो इस वीडियो में मैं वहाँ पर क्लियर करवा दूंगा, हालांकि वहाँ पर कुछ खास डाउट मुझे दिखा नहीं तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई करेक्शन ही करवा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स में जितने भी डाउट्स आते हैं ना आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करें, नेक्स्ट वीडियो में अगर सही में मिस्टेक होता है तो वहाँ पर सुधार लिया जाएगा। और थोड़े से माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं क्योंकि हम लोग भी लगभग आप मान कर नहीं चलोगे 18 से 20 घंटे काम करना पड़ रहा है, एडिटिंग का काम करना पड़ रहा है, आँख में देख सकते हो नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज के इस सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना होती है, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राज्य विद्युत मंडल क्रेडा किसकी मदद से डोंगरगढ़ में सोलर हब बनाने हेतु 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर डोंगरगढ़ के बारे में सुना था कि वहाँ पर सोलर हब बनाया जाएगा। तो चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक, NTPC या फिर बाल्को। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की मदद से डोंगरगढ़ में 2000 मेगावाट हेतु सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए क्रेडा ने यहां पर MOU किया है NTPC के साथ में। इसके अलावा एक दिन पहले या कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आया था, वो भी यहां पर अपडेट कर लीजिए कि डोंगरगढ़ में ही 150 मेगावाट क्षमता का सोलर बैटरी लगाने का जो है MOU किया गया है छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग की तरफ से। और किसने किया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर MOU किया है और लगभग इसके लिए 150 मेगावाट क्षमता का जो सोलर बैटरी का जो स्टेशन लगाया जाएगा उसके लिए लगभग 350 एकड़ भूमि की पहचान भी की गई है डोंगरगढ़ में ही। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये जब सोलर बैटरी स्टेशन यहाँ पर लगेगा तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा सोलर बैटरी स्टेशन होगा, यानी कि 150 मेगावाट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की इसकी क्षमता होगी, यानी कि स्टोर करने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा डोंगरगढ़ में जो सोलर हब बनाया जाएगा वो देश का सबसे बड़ा सोलर हब होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट्स को कुछ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से तो बनना चाहिए, ठीक। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन यानी कि बायर सेलर सम्मेलन 2019 का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपका कहाँ किया गया, रायपुर शहर में, ठीक। कब से कब तक किया गया, 20 से 23 सितंबर तक, 4 दिनों का ये सम्मेलन था और इसमें लगभग आपके 16 देशों के 57 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ठीक है। और इस क्रेता विक्रेता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के जो पहचान है, चाहे वो खाद्य पदार्थ से संबंधित हो, चाहे वो यहाँ पर कला और संस्कृति से संबंधित हो, इन सब सारी चीज़ों का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया था। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था, कब से कब तक किया गया था और कितने देशों के कितने प्रतिनिधियों ने यहाँ हिस्सा लिया, इस तरह से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, धान खरीदी से संबंधित, तेंदूपत्ता से संबंधित, तो यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो खरीफ वर्ष 2019 और 20 हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितना लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है आपका 85 लाख मीट्रिक टन, और पिछले साल भी लगभग इतना ही था, यानी कि 2018 और 19 में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इसको लेकर टकराव भी देखने को मिला था, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो 2500 रुपये पर क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार चाहती थी कि केंद्र के जो समर्थन मूल्य है 1815 रुपये पर ही धान खरीदी किया जाए, और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 21,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता भी थी। तो इस तरह से ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये हाल ही कुछ दिन का और पहले का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पहले तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर अब राज्य सरकार जो है 1815 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान खरीद रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हम आपके जो लक्ष्य है उसमें से आपका 24 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो केंद्रीय पूल में खरीदा जाएगा। तो इस तरह से धान खरीदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी आपका 85 लाख मीट्रिक टन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश का पहला आजीविका अंगना का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश का पहला आजीविका अंगना है और बहुत न्यूज़ में भी रहा था, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका बिलासपुर। महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से हरेली तिहार के अवसर पर प्रदेश के पहला आजीविका अंगना का उद्घाटन जो है बिलासपुर जिले के गनियारी स्थित 2.5 एकड़ क्षेत्र में जो है आजीविका अंगना का वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और इस आजीविका अंगना में महिलाओं को वहाँ पर सशक्त करने के लिए उनसे जुड़ी सैनिटरी पैड बनाया सिखाया जाएगा और भी बहुत सारे वहाँ से उनसे जुड़े रोजगार वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रदेश का पहला आजीविका अंगना जो है, याद रखिएगा, बिलासपुर के गनियारी में इसको स्थापित किया गया है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश बघेल की सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक कितने प्रतिशत का इजाफा किया है, ठीक। तेंदूपत्ता पारिश्रमिक का यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता है कि 2500 रुपये जो समर्थन मूल्य दिया जाता था उसमें 1500 रुपये बढ़ाया गया था, ठीक है, यानी कि इसको 4000 रुपये कर दिया गया था, ये हमें पता है। लेकिन इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दें तो ये हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितने परसेंट का इजाफा किया गया। तो ये इजाफा आपका 40% का किया गया पिछले साल के कंपेयर में। तो याद रखिएगा, तेंदूपत्ता यानी कि प्रति लाख मानक बोरा 4000 रुपये दिया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बनना चाहिए। इसके अलावा वनोपज से संबंधित एक बात और यहाँ पर अभी का जो न्यूज़ है वो अपडेट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 में यानी कि 2018 और 19 में वनोपज पर कितना वनोपज खरीदी किया गया, 15 वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाता था, लेकिन 2019 और 20 के लिए सरकार ने इसमें 7 और नए वनोपज को ऐड किया है और अब टोटल 22 वनोपज पर समर्थन मूल्य दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी अपडेट आप लोग साथ में करते चलिएगा। जितना भी अपडेट करवा रहा हूँ वो रिसेंट का भी मैं अपडेट यहीं पर करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित परसा कोल ब्लॉक के उत्खनन का कार्य हेतु किसे पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। परसा कोल ब्लॉक आप लोगों को पता है कि इस क्षेत्र में 1,76,000 हेक्टेयर पे जो है कोल माइनिंग के लिए इस परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र में अनुमति दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, और अगर इसको हम लोग एकड़ में बात करें तो ये लगभग आपका 2100 एकड़ यहाँ पर हो जाता है। और ये परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र किधर इधर है, तो ये आपका सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो यहाँ पर केंद्र सरकार ने अनुमति दिया है उत्खनन के लिए, कोयला उत्खनन के लिए, वो दिया है आपका अडानी ग्रुप को, ठीक है। और जो ये कोयला आवंटन किया गया है, उत्खनन का काम तो अडानी ग्रुप करेगा, और जो ये कोल ब्लॉक आवंटन किया गया है यानी कि जिसको कोयला जाएगा वो जाएगा राजस्थान विद्युत कंपनी को, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न आपसे
हाल ही का न्यूज़ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि देश का चौथा जो है सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, रायपुर में इसको स्थापित किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, एक ही वर्ड याद रखिएगा कि ये देश का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो रायपुर में किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने के मामले में छत्तीसगढ़ के किन दो शहरों का स्थान विश्व के टॉप 50 में है? ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर में आई थिंक ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ के दो शहर जो हैं पूरी दुनिया में जितने भी पोल्यूटेड शहर हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के मामले में ये दोनों शहर का नंबर आता है। और ये ग्रीन पीस का जो रिपोर्ट है आपका नासा के डेटा के आधार पर लिया गया है। और कौन से छत्तीसगढ़ के दो शहर हैं, वो एक है आपका रायगढ़ और दूसरा है आपका कोरबा। ये दोनों इस ग्रीन पीस के रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 50 में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसको मैंने जब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाला वीकली वाले में करवाया था, तो इसको मैंने ब्रीफ में भी करवाया था और मैगजीन में भी इसमें ब्रीफ में दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? ऑप्शन है आपके साथ बेमेतरा, बालो, धमतरी या फिर रायपुर। हर साल तो रायपुर में किया जाता था, लेकिन 2019 में जो है इसका आयोजन, इस कृषि मेला का कहाँ किया गया? आपका बेमेतरा में किया गया। और बेमेतरा में पहली बार जो है इस राज्य स्तरीय कृषि विकास एवं कल्याण मेले का आयोजन किया गया, और हर साल जो है रायपुर में किया जाता था। ठीक है, और कब से कब तक किया गया, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 22 से 25 फरवरी 2019। ठीक है, हर साल इस कृषि विकास मेले का आयोजन होता था, लेकिन रायपुर में होता था, इस साल पहली बार बेमेतरा में हुआ है, तो इसलिए ये तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का फैसला लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित किया गया है, तो इको सेंसिटिव जोन से संबंधित यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। तो अगर छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत संभावना बनता है कि यहां से प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऑप्शन है आपके पास में भोरनदेव वन जीव अभ्यारण, अचानकमार वन जीव अभ्यारण, सीता नदी उद्यंती वन जीव अभ्यारण या बारनावा परा वन्य जीव अभ्यारण। तो ये आपका है मुंगेली स्थित अचानकमार वन जीव अभ्यारण। ठीक है, इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। और अगर किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो वहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, फैक्ट्रीज लगना कम हो जाते हैं, यानी कि लगभग ना के बराबर होते हैं, कुछ एरिए को वहाँ पर कवर कर लिया जाता है, यानी कि उस क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत सरकार द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर में भारत का पहला कॉर्वेज कैफे खोला गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत न्यूज़ में रहा था, नेशनल न्यूज़ तक गया था, भारत का पहला गॉर्वेज कैफे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि गॉर्वेज कैफे होता क्या है। गॉर्वेज कैफे के अंतर्गत में आप एक ऐसा रेस्टोरेंट कह सकते हो या ऐसा कैफ़े खोला जाता है जहाँ पर आप अगर कचरा लेकर जाते हो तो उसके बदले में आपको खाना दिया जाता है। तो ये भारत का पहला गॉर्वेज कैफ़े आपका खोला गया था अंबिकापुर में। अंबिकापुर स्वच्छता के मामले में नया नया इनिशिएटिव लेता रहता है, तो इसीलिए तो जो है अंबिकापुर शहर को जब स्वच्छ शहरों के मामले में रैंकिंग रिलीज़ हुआ था 2019 का, तो उसमें इंदौर के बाद पूरे देश भर में सेकंड नंबर पे था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, देश का पहला गॉर्वेज कैफ़े कौन से शहर में खोला गया है, तो आपका अंबिकापुर में खोला गया है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो ये टाइगर रिजर्व आपका किस जगह पर होगा ये बताना है। भोरमदेव अभ्यारण को, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को या फिर बारनावापारा वन्य जीव अभ्यारण को। देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व है, कौन कौन सा है, अचानकमार है, इंद्रावती है और एक उदंती सीता नदी है, ये आप लोगों को पता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, कोरिया जिले में स्थित आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने का घोषणा किया गया है। ये
एनवायरमेंट सेक्शन से अगर ले लोगे तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि अगर टाइगर रिजर्व्स में बदलाव होते हैं, प्रदेश में इस तरह से बड़े बदलाव होते हैं, जैसे प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व जो है लेमरू में बनाया जाएगा, इस पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो इस तरह से जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं ना, या फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो भोरम देव अभ्यारण्य दिया गया है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ये भी अनुशंसा किया गया था कि भोरम देव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, 40वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बिलासपुर, भिलाई, रायपुर या फिर राजनांदगांव। तो ये तो आप लोगों को पता है, ये अक्टूबर में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? रायपुर में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब से कब तक हुआ था? ध्यान रखिएगा, 15 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। इस विज्ञान प्रदर्शनी मेला में जो है पूरे देश भर से लगभग 147 मॉडल का प्रदर्शनी किया गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 22 मॉडल को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? रायपुर होगा। कब से कब तक आयोजन किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल मॉडल में छत्तीसगढ़ के कितने मॉडल यहाँ पर प्रदर्शन किए गए बच्चों की तरफ से, इस बात को भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को टीवी मुक्त बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ को टीवी मुक्त बनाए जाने की बात की गई है, तो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा टारगेट रखा गया है कि छत्तीसगढ़ को टीवी मुक्त कब तक बनाया जाएगा, तो ये रखा गया है आपका वर्ष 2023 तक का टारगेट, कि 2023 तक छत्तीसगढ़ को टीवी मुक्त बनाना है। ठीक, इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एनीमिया और कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए भी प्रदेश सरकार ने जो है 3 सालों का टारगेट रखा है कि 3 साल में प्रदेश से जो है कुपोषण और एनीमिया की समस्या को खत्म करना है, 3 साल मतलब 2022 तक। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो सुनिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा की पढ़ाई में किस भाषा को जोड़ा जाएगा? हल्बी, गोंडी, खरमार या फिर डी में है, ए और बी। तो ऑप्शन ऊपर वाला जो दोनों है आपका वो सही होगा, हल्बी और गोंडी, यानी कि इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि स्कूली शिक्षा में जो छत्तीसगढ़ी भाषा के अलावा भी है, हल्बी और गोंडी भाषा को भी शामिल किया जाएगा। तो स्कूल शिक्षा से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट जो है रिफॉर्म्स है, मान सकते हो आप इसको, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना तो होता है। इसके अलावा जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कह लो इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं? इसके एक जस्ट क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों को करवाया था कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की समस्या को ख़त्म करने के लिए 3 सालों का टारगेट रखा गया है, और अगर अलग अलग टाइप से स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है कि कुपोषण और एनीमिया की समस्या को ख़त्म किया जा सके, और इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया है लगभग 25%, लगभग 30%, लगभग 38% या फिर लगभग 40%, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा लगभग 38%, और एग्जैक्ट डेटा देख लें तो ये है आपका 37.7%। इतना परसेंट छत्तीसगढ़ में जो है 5 साल से कम बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। इसको ख़त्म करने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से प्रयास भी कर रही है। तो ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन, हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए। बेफिक्र रहिएगा, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जितने क्वेश्चन मैंने करवाया है और ब्रेक भी दिया है बीच में, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने टोटल में से कितना जो है वो सही किया है। एक खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने इतना किया है। वीडियो जैसे ही शुरू होता है पेज और पेन लेकर बैठ जाइएगा और टोटल वहाँ पर आंसर करते चलिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया बहुत व्यस्तता चल रही है, 18-18 घंटे तक काम हो जा रहा है, 3 वीडियोस के लिए एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और जो चीज़ें होंगी, मतलब कि अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चंस में माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जाएगा, कुछ भी यहाँ पर गलत आप लोगों को
नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गलत बता दिए उसको छोड़ दिए, उसका करेक्शन भी नहीं करवाए और आप लोग एग्ज़ाम में गलत करके आ गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ध्यान में रख रहे हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह से कुछ डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। वीडियोज़ को लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक। और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को तैयारी में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।